सर, एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ इसके पास से बरामद की हुई है और किस तरीके का आरोप है? ये राजेश विश्वकर्मा उर्फ सिल्ले, जो कि जिला बाराबंकी का रहने वाला है, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी थाना चिन्हट में हुई है। यहाँ पर एक अवैध तमंचा फैक्ट्री भी बरामद हुई है, और जिसमें जब पुलिस ने वहाँ पर छापेमारी की तो पता चला कि ये व्यक्ति, जिसका नाम राजेश विश्वकर्मा उर्फ सिल्ले है, ये अवैध तमंचा और अवैध असलहे ये बनाता था, और इसके साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी थे जो कि मौके से भागने में कामयाब रहे, फरार हो गए, जो कि हमारे वांछित हैं। वांछित व्यक्ति सलामत खान और मंगरू, ये दो व्यक्ति हैं। इससे जब पूछताछ की गई तो इन दो व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया, बट ये हमें मौके से मिल नहीं पाए। जो मौके से जो चीज़ें हमें बरामद हुई हैं, उनमें से टोटल चार तमंचे हैं, जिसमें से कि दो अर्धनिर्मित हैं, जिसमें 12 बोर भी हैं और 315 बोर के भी तमंचे हैं, और प्लस हमें बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं जिनसे कि तमंचे बनते हैं, जैसे कि स्प्रिंग हो गया, पाइप हो गया, लोहे का पाइप हो गया, और रिपीटर हो गया, लोहा कटर हो गया, हथौड़ी, ये सब जो आदि उपकरण है जिससे तमंचे ये लोग बनाते थे, वो भी हमें मिले। भट्टियाँ हमें मिली हैं, और इनके पास से कुछ नगद पैसे थे वो भी बरामद हुए हैं। अभी जो हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, उससे ये पता चला है कि इस ये जो व्यक्ति है जो हमारे हाथ में आया है सिल्ले, इसके विरुद्ध थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली में भी 3 मुकदमे इसके ऊपर ऑलरेडी इसका दर्ज है, इसका आपराधिक इतिहास है, और ये इस पूरे अपने एक तरह से बिजनेस में और कितने व्यक्ति शामिल थे इस पूरे इसके इस कारोबार में, और ये कहां-कहां से रॉ मटेरियल्स कहां से सप्लाई करते थे ये लोग, और इसको आगे की इनकी सप्लाई चेन क्या थी, यानी कि ये बनाने के बाद ये किसको आगे सप्लाई करते थे, किसको बेचते थे, ये सब अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इन सब पहलुओं के ऊपर हम लोग अभी तफ्तीश जारी रखेंगे, जांच जारी रखेंगे, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार आवश्यक जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी।